तो गाइस ये है आज हमारा एटम बम। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इस एटम बम को हम इसके साथ में जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी स्ट्रेंथ इस बम को झेल पाएगी या नहीं, या ये ब्लास्ट होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखना। तो गाइस आप देख सकते हैं इस केन की क्या हालत हुई है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग एक्सीवी के अंदर। तो गाइस आज का जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो काफी धमाकेदार और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस ये है आज हमारा एक पेप्सी का कैन और एक ही हमारा स्प्राइट का कैन। तो गाइस हम आज इस पेप्सी के कैन और स्प्राइट के कैन के ऊपर लगाने वाले हैं एटम बम, जिसे हम सूतली बम भी कहते हैं। तो उस सूतली बम को लगा के हम ये चेक करेंगे कि क्या वो सूतली बम इस स्प्राइट के कैन को और इस पेप्सी के कैन को ब्लास्ट कर पाता है या नहीं। मुझे नहीं पता ये ब्लास्ट होगा या नहीं, वो आप वीडियो के अंदर देखना। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी बताइए और बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस ये है आज हमारा एटम बम और मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर ये कैसा है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और इसकी लमसम कॉस्टिंग मेरे 200 रुपीस पड़ी है। और इस एटम बम को हम इसके साथ में जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी स्ट्रेंथ इस बम को झेल पाएगी या नहीं, या ये ब्लास्ट होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखना। गाइस आपको मैं पास से दिखाता हूँ, इसकी मोटाई भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भारी है ये और बहुत ज़्यादा मोटा है, मेरे हाथ में पूरा आ रहा है। और ये जो इसके साथ में हम इसके साथ में कनेक्ट करेंगे स्प्राइट के साथ में, तो मैं इसको एक यहाँ पे लगाऊंगा। तो गाइस चलिए इस सूतली बम को इस केन के साथ में जोड़ते हैं और देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सब आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और जब तक आप एक छोटा सा सिनेमेटिक शूट इंजॉय कीजिए। तो जैसा कि गाइस आप सभी ने देखा हमारा सेटअप पूरा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये है हमारा थम्सअप का कैन, ये है हमारा स्प्राइट का कैन और ये है हमारा पेप्सी का कैन और सबसे धमाकेदार ये एटम बम। और इसको जलाने के लिए हमने एक रखा है इसको लाइटर और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक टैप यूज़ करेंगे जिससे इन दोनों को साथ में रख सकें। तो गाइस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट, और ये है हमारा थम्सअप का कैन और ये है हमारा एटम बम। और सबसे पहले मैं इस एटम बम की स्ट्रिप को हटा देता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिप मुझे बहुत ज़्यादा अलग सा लग रहा है और इसकी जो बत्ती है वो भी बहुत ज़्यादा छोटी है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं सबसे पहले इस रैपर को हटा देता हूँ। रैपर हटा रहा हूँ मैं। तो गाइस मैंने इसका रैप हटा दिया है और इसकी जो बत्ती है वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा छोटी है, पर कोई नहीं, करेंगे अपन इसको। और इसके साथ मैं अब इस पर टेप लगाने वाला हूँ। जैसा कि गाइस मैंने इस कैन के ऊपर इस एटम बम को लगा दिया है और पूरा टाइट अच्छे तरीके से लगाया है, क्योंकि ऊपर से भी मैंने टैपिंग की और साइड में से भी टैपिंग की है जिससे बम इससे अलग नहीं हो। लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ एक कैन के ऊपर मैं ये बम इसके ऊपर लगाऊंगा, जिससे क्या पता अगर ये वाला कैन हमारा फ्लॉप हो जाए तो इसके ऊपर लगाने से इसकी स्ट्रेंथ का अच्छे से पता चल पाएगा, अगर ये ब्लास्ट नहीं होगा तो ये तो बहुत पता चलेगा। गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये मैंने तीनों कैनों को रेडी कर दिया है, एक कैन के ऊपर मैंने ये एटम बम को सबसे ऊपर लगाया जिससे ये अच्छे से ब्लास्ट हो, और बाकी जो मैंने दो कैन एक्स्ट्रा में लिए थे आप देख सकते हैं दोनों कैनों को इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाए हैं, क्योंकि इससे इसकी स्ट्रेंथ का पूरी तरीके से पता चल जाएगा। तो गाइस अब मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। गाइस स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, देखना।
तो गाइस आप देख सकते हैं इस केन की क्या हालत हुई है। ये पूरा केन हर तरफ से पूरा ब्लास्ट हो गया है, पूरे तरफ से पूरा खराब हो चुका है केन। इसके अंदर जो इसकी लिक्विड ड्रिंक थी वो भी पूरा खत्म हो गया है इसका। और आप देख सकते हैं जो हमने एटम बम इस पे फिट किया था वो पूरा ब्लास्ट हो गया है। अब सेकंड और करने जा रहा हूँ, देखना आप। तो जैसा कि गाइज आपने देखा थम्सअप के केन की क्या हालत हुई थी, अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्प्राइट के केन के ऊपर। और इस स्प्राइट केन के ऊपर हमने एटम बम लगा दिया है, उस केन की बहुत ज्यादा हालत पूरा पूरा खराब हो गया था वो केन। अब इस सेकंड एक्सपेरिमेंट पे देखते हैं इस केन की क्या हालत होती है। स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं इसको, देखना आप। ओह माय गॉड, तो गाइस आप देख सकते हैं इस केन की क्या हालत हुई है। ये केन पूरी तरफ से बिखर चुका है और इसका जो ऊपर का हिस्सा था वो पूरा फट चुका है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से केन के पूरे चितड़े उड़ चुके हैं। तो गाइस ये लास्ट केन बचा है, तो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस केन की क्या हालत होती है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जोरदार धमाका होगा, देखना आप। ओह माय गॉड गाइस, आप देख सकते हैं ये केन तो पूरा ब्लास्ट हो गया है और पूरे परखच्चे उड़ गए इस केन के भी। इसका एक एक टुकड़ा पूरा बिखर गया है, देख सकते हैं आप। हमें नहीं पता ये तीसरा केन की इसकी क्या हालत हुई है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि गाइस आप सभी ने देखा, हमने जो एक्सपेरिमेंट किए थे तीनों सक्सेसफुल गए। ये हमारा स्प्राइट का केन, ये थम्सअप का और ये पेप्सी का। तो गाइस इसके पहले हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था ताले वाला वो फ्लॉप हो गया, लेकिन मुझे बताते हो बहुत खुशी हो रही है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है ये हमारा सक्सेसफुल गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो में कोई लेके आता हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए, गुड बाय।